नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके YouTube चैनल मनी सॉल्यूशन हिंदी में। और आज मैं आपको बात करूंगा कि हम जो हमारे पेटीएम के वैलेट हैं, जो मर्चेंट अकाउंट है, वो बंद क्यों हो गए, उनका क्या कारण है और उनको कैसे एक्टिवेट करें। अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई से RBI ने गाइडलाइन शुरू कर दी है कि आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर नहीं कर सकते, यानी आप अपने वैलेट से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है कि जो पेटीएम वैलेट है या फिर जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है, जिसकी जो थे पहले 50,000 था मर्चेंट अकाउंट और किसी का सुपर मर्चेंट अकाउंट था, वो ऑलरेडी बंद हो गई। उसका कारण क्या है, किस वजह से बंद हुए और उनको दोबारा रीएक्टिवेट कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने उनके कस्टमर केयर से बात की और उन्होंने जो बताया मैं आपको इस रिकॉर्डिंग के द्वारा बता रहा हूँ। तो दोस्तों सुनिए। दोस्तों अगर आप भी अपना सुपर मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी टाइप कीजिए, मैं आपको सुपर मर्चेंट अकाउंट के GST डिक्लेरेशन और जो हमारा ये KYC फॉर्म है वो मैं आपको आपकी मेल आईडी पे भेज दूंगा, जिसको आप सबमिट करके पेटीएम का जो साइट है, जो उसकी मेल आईडी है, आप उधर उसको सेंड कर दीजिए, जिससे आपका सुपर मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, मैं आपको जैसे ही मेरे को कमेंट में आपकी मेल आईडी और आपका कमेंट मिल जाएगा, मैं तुरंत ही आपको उसके मेल ड्रॉप कर दूंगा दोनों फॉर्म के साथ। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो में आपको और भी कुछ दिखाया गया, जैसे कि हम कैसे मर्चेंट अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट करना है या फिर हमें 1 जुलाई से क्या है, इसके लिए मेरी उनसे कस्टमर केयर वालों से बिल्कुल क्लियरली बात हो रखी है। इधर आप सुन भी लेंगे कि हमने कैसे हमारे अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कस्टमर केयर वालों से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका कस्टमर केयर का नंबर भी दूंगा, जिससे कि आप दोबारा उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कॉन्टैक्ट उसी अकाउंट से, उसी नंबर से करना है जिसके ऊपर आपका अभी भी मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेट है। तो दोस्तों सुनिए यह वीडियो कि इसमें क्या बात हो रखी है। हम आपकी कॉल ग्राहक सेवा अधिकारी से कनेक्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, ये कॉल गुणवत्ता और परीक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जा सकती है। अध्यक्ष में आपका स्वागत है, मैं रिंकू, आप क्या सहायता कर सकता हूँ सर? हाँ जी रिंकू जी, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी। एक्चुअली मेरे को एक बात बताइए, एक तो मेरे को जो पेटीएम का ये जो मर्चेंट अकाउंट है ना, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए है महीने की और डेली की लिमिट जो 2 लाख रुपए है जी, इसके मतलब क्या क्या फीचर है और इसको ओपन कैसे करवा सकते हैं जी? देखिए अभी अभी जो आपके मतलब आप मर्चेंट है 5 लाख के, राइट? हाँ, मेरा मर्चेंट अकाउंट तो 5 लाख का है और 2 लाख रुपए मैं डेली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जी जी जी, करेक्ट सर। लेकिन आपने जी, हाँ हाँ बोलिए सर, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? मतलब अगर कोई और पर्सन, अगर कोई और बंदा ये अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? कि आप मुझे अपना रजिस्टर नंबर बता दीजिए एक बार, जिससे पेटीएम पर रजिस्टर्ड है सर पहले। हाँ जी, पेटीएम पर तो यही रजिस्टर है जिससे मैंने आपको कॉल कर रखा है। एक बार कन्फर्म करा दीजिए सर। हाँ कन्फर्म, 7005416909 जी, नंबर कन्फर्म कीजिए एक बार, 7005416909 जी। देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी लिमिट इंक्रीज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं और उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है? उसका एक प्रूफ चाहिए होता है हमें, ठीक है? और चाहिए होता है सर आपका बिजनेस प्रूफ और KYC डॉक्यूमेंट और कैंसिल चेक चाहिए होता है और एग्रीमेंट चाहिए होता है विद सिग्नेचर, जो भी आपकी शॉप वगैरह उसका एग्रीमेंट चाहिए होता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये हमें documents@paytm.com पे आप सेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात बताइए, चलो ये तो हो गया, तो ये कितने दिन में ओपन हो जाएगा सुपर मर्चेंट अकाउंट? सर देखिए, जैसे भी हमारी जो, मैं यहाँ से आपका एक फॉर्म फिलअप करूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है? जैसे ही हमारे जो ये सीनियर डिपार्टमेंट के पास जाता है ये, हाँ, ये जो रिक्वेस्ट जाती है, तो वहाँ से आपके पास जैसे कॉल आएगी ना, तभी आपका चालू हो जाएगा 24-48 घंटे में। और एक ये आपका कस्टमर केयर का नंबर लगता क्यों नहीं है? जैसे मेरा तो सुपर मर्चेंट अकाउंट है इसलिए डायरेक्टली लग गया, दूसरे नंबर से कस्टमर केयर का फोन ही नहीं लगता, क्या प्रॉब्लम आती है? कभी कभार इशू आ जाता है, एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से कुछ इशू आ जाता है। नहीं नहीं सर, कभी कभार नहीं है, मतलब बहुत लोगों का यही समस्या है कि कस्टमर केयर का कॉल ही नहीं लगता। नहीं सर, कभी कभार जो नेटवर्क के रिगार्डिंग कुछ ऐसा कुछ हो जाता होगा जिससे कॉल नहीं लगता होगा सर।
और भी था मोस्ट एक ये क्या। सर जो आपकी 50,000 रुपए का जो 50,000 का मर्चेंट अकाउंट था वो बहुत से लोगों के बंद हो गए, इसका रीजन क्या है? सर रीजन ये है कि उन्होंने कभी कुछ अनफेयर ट्रांजेक्शन करी होंगे जिनके उनके इसलिए उनके मर्चेंट राइट जो है हटा दिए होंगे। मतलब किस टाइप के, मतलब रॉन्ग ट्रांजेक्शन, समझा नहीं मैं। जैसे जो QR कोड दिया जाता है मर्चेंट्स को, हाँ वो कस्टमर से पेमेंट रिसीविंग के लिए दिया जाता है। हाँ लेकिन किसी कोई मर्चेंट होते हैं ऐसे हमारे जिन्हें पता नहीं होता, बाय मिस्टेक वो अपने QR कोड को स्कैन कर लेते हैं जो कि पेटीएम अलाउ नहीं करता है, वो पेटीएम की नजर में इलीगल होता है सर, इसलिए पेटीएम मर्चेंडाइज हटा देती है। मेरे अच्छा, तो मतलब क्या जैसे मैंने अगर कोई मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाया 50,000 वाला, तो क्या मैं जैसे जी मेरे मेरे मोबाइल से ही मतलब स्कैन नहीं कर सकता, दूसरे अगर जैसे कोई दूसरा करेक्ट नंबर है उससे मैं बार बार पेमेंट करेक्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो उससे भी प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं देखिए, आप अदर से किसी कस्टमर से करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा सर, लेकिन आप खुद से करेंगे देन आपके जो है मर्चेंडाइज हटा दी जाएंगे इन फ्यूचर। और कोई भी रीजन रहता है क्या भाई इस वजह से मर्चेंट अकाउंट नहीं बंद करें? नहीं देखिए रीजन तो बेसिकली यही रहता है अभी तो। और तो फिर वो दोबारा ओपन कैसे होगा वो 50,000 वाला? देखिए दोबारा ओपन हो जाएगा उसके लिए आपका एक फॉर्म फिलअप करना होता है यहाँ से हमें, ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है सर जिसमें अच्छा। आप जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं दोबारा से ओपन करवाने के लिए, हाँ देन उसमें जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे उसमें 2% कमीशन कट के सेटल होता है आपका अमाउंट अगर आप उस कंडीशन के बारे से चालू करते हैं। तो फिर सर ये तो फिर उसको कस्टमर को, इसको शॉपकीपर को या फिर जो भी मर्चेंट है उसको तो सर नुकसान हुआ ना सर 2% का? देखिए नुकसान ये वैसे भी चालू हो जाता है अगर आप मतलब नॉर्मल पेटीएम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं उस टाइम पे अगर आपका मर्चेंट अकाउंट वर्क नहीं कर रहा है तो, ठीक है। हमारी जो कंप्लाइंस टीम होती है वो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मॉनिटरिंग करती रहती है मंथ टू मंथ, ठीक है। अगर उन्हें आपका लेन देन सही लगा नॉर्मल पेटीएम एप्लीकेशन का तो आपके मर्चेंडाइज वापस दे दिए जाते हैं सर आपको। अच्छा जी, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट आ रही है सर, जैसे भी मैं इधर करता देखता रहता हूँ, दोस्त है मेरे, वैसे भी मेरे को कमेंट आता है कई बार, बहुत से लोग देखते हैं यही आता है कि हमारा मर्चेंट अकाउंट बंद हो गया 50,000 का, उसका रीजन क्या है? तो मतलब मैं रीजन यही होता है क्योंकि क्योंकि वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करते हैं वो मर्चेंट, तो उनमें चार्ज पे करना होता है उनको, लेकिन वो चार्ज से बचने के लिए ऐसा कुछ अनफेयर मतलब पर्सनली यूज में लेते हैं उस QR कोड को अच्छा, जो कि अलाउ नहीं है। और इस महीने से आप लोग 3% चार्ज भी लगाने लग गए, ये सुना है क्रेडिट कार्ड से अगर आप वॉलेट से बैंक, हाँ हाँ जी वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो सर अभी के लिए जो नई चेंजेस आए हैं हमारी पॉलिसी में पेटीएम की, में उसमें सर 3% का चार्ज पे करना पड़ता है सारे जो भी हमारे पेटीएम जितने भी यूज करते हैं सारे कस्टमर को सर। ये ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो तो पैसे तो आपको उसमें मिल ही रहे हैं ना, इसमें मतलब आप चार्ज क्या? अभी जो नई RBI की गाइडलाइंस आई है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग से 3% का चार्ज पे करना होगा सर अच्छा, अभी अच्छा, के लिए। हाँ, और कोई अपडेट आज के फ्यूचर में वो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर ये जो पेटीएम का जो ये दोबारा 50,000 का ओपन करवाने के लिए कोई और प्रोसीजर है क्या जिससे कि कस्टमर ओपन करवा ले 50,000 वाला? नहीं देखिए सर ओपन तो हो जाएगा लेकिन मैंने जो कि जैसा कि आपको बताया एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी 2% चार्ज कमीशन कट के सेटल होगा जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे। अच्छा अच्छा जी, तो ये जो सुपर मर्चेंट का थोड़ा बेनिफिट बता दो क्या क्या वो 5 लाख रुपए वाला का? देखिए बेनिफिट ये है कि अगर आप मर्चेंट अकाउंट है 5 लाख वाला देन फर्स्ट जो 1 लाख रुपए आप रिसीव करते हैं तो हाँ? उस पर कमीशन मतलब जैसे 5 लाख का मर्चेंट आप अकाउंट क्रिएट करवाते हैं ना देन फर्स्ट तो यही है कि उसमें आपका जो भी पेमेंट रिसीव करते हैं 1% कमीशन चार्ज लगता है और उस पर 18% GST लगता है, ठीक है, वो कट के ही सेटल होता है आपका अमाउंट। और बेनिफिट एक ये है कि फर्स्ट जो 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में आप रिसीव करेंगे स्टार्टिंग मंथ में जो भी आपका कमीशन चार्ज करता है उस पर वो कैशबैक के रूप में आपको नेक्स्ट उससे नेक्स्ट मंथ के सेकेंड वीक में आपके वॉलेट में मिल जाता है जो भी कमीशन काटता है आपका। अच्छा अच्छा जी, और तो महीने की आपको पता है तो हाँ मेरा तो है मर्चेंट, मेरा तो सुपर मर्चेंट है, मैं तो महीने के मेरे 5 लाख रुपए लिमिट है और 2 लाख रुपए मेरी डेली की लिमिट है। जी जी, नहीं कई बार है ना जैसे मैंने तो मेरा बहुत दिन पहले ओपन करवाया था, मैंने डॉक्यूमेंट दिया था, मैंने सोचा कि कोई पॉलिसी चेंज ना हुई हो, मैं अभी जैसे कोई पैसे उसमें दोबारा मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट ना देने पड़े कि जो दोबारा कोई नया लोग अगर ओपन करवाना था, तो मैं यही पूछ रहा था। जी जी, चलो ठीक है सर, थैंक यू, मैं यही जानना चाह रहा था, बहुत से लोग भी यही जानना चाह रहे थे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी ठीक है सर, थैंक यू।